नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके लिए NMR स्पेक्ट्रा के अंदर से हम एक टॉपिक लेके आए जिसे इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम पहला मॉलिक्यूल लेंगे इथाइल ब्रोमाइड, जिसे हम ब्रोमोइथेन भी कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3CH2Br। CH3 को हमने इंडिकेट किया A से और इसको बी से CH2O मिथाइलिन को। अब देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखा, इसके तीनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं, इसे हम ए से दर्शा दिया है, ये दोनों हैं इसे हमने बी से दर्शा दिया है। अब जरा इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं। हमने स्पेक्ट्रा देखने के लिए यहाँ हमारा स्केल लिए, डेल्टा स्केल लिए, डेल्टा स्केल 0 से लेके 10 तक है, और जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी हर्ट्स जो इंस्ट्रूमेंट का देखिए, ये 0, 100, 20, 30, 300, 400 इस तरह से हमने एक इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। हमने यहाँ देखा कि हमारे यहाँ तीन पीक्स आ रही हैं, यहाँ चार पीक्स आ रही हैं। अब ये पीक्स कैसे आई जरा ये देखते हैं। जीरो पे जो हमें पीक प्राप्त होती है वो होती है हमें जीरो डेल्टा पे टेट्रामिथाइल सिलेन। टेट्रामिथाइल सिलेन को हम रेफरेंस कंपाउंड भी लेते हैं क्योंकि इसका जो पीक है वो जीरो पे आती है। दूसरा, ये किसी से रिएक्टिव नहीं होता, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, वो लगभग 27 डिग्री होता है। अब देखिए जो ए के लिए इस मिथाइल के लिए है, इस मिथाइल के लिए वो ट्रिपलेट आएगी और इसके लिए क्वांटेट आएगी। क्यों आएगी? हम ये देखते हैं कि ए मिथाइल पे इस मिथाइलिन CH2 का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमें बताया कि स्पिन कपलिंग, जिसे हम N+1 दर्शाते हैं, N क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस वन। तो इस ए पे पास में इस मिथाइलिन पे HB पे दो प्रोटॉन हैं और एक तीन, तो जो इस पे इफ़ेक्ट हुआ मिथाइलिन, ये ट्रिपलेट में टूट जाएगा, तीन पीक्स देगा, इसे हम कहेंगे ट्रिपलेट। और ये लगभग 1.7 डेल्टा के पे आएगी, जिसे हमने यहाँ लिख रखा है, और इसका रेशियो होगा 1:2:1। अब जरा हम देखते हैं इस मिथाइलिन पे HB वाले पे, इसका पड़ोस से स्पिन कपलिंग या स्पिन स्प्लिटिंग जिसे कहते हैं, उसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए इसके पड़ोस वाले पे तीन प्रोटोन है, अगर हम N+1 से लेते हैं तो ये चार हो जाएंगे, यानी ये क्वाड्रेट जो हमारा इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। और ये लगभग 3.4 पे ये क्यू यानी क्वाड्रेट है, बी इसका हमने साइन किया है, ए और बी दोनों ग्रुप्स को, और इसका जो डेल्टा वैल्यू है 3.4 जैसे हमने इसलिए। अब ये आता है कि किस रेशियो के अंदर होगा, तो इसका रेशियो होगा 1:3:3:1। तो ये इस तरह से रेशियो है, टी ट्रिपलेट हमने कहा और ये क्वांटेट। पी प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रा इथाइल ब्रोमाइड इस तरह से था। अब आगे इसका डिटेल में इसकी थोड़ा सा इसी को हम पढ़ते हैं। देखिए हमने कहा कि ट्रिपलेट, ये जे कपलिंग कांस्टेंट यानी जो पीक्स होती हैं, ये पीक्स हैं, इन पीक्स के बीच की दूरी को हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, जिसे हम जे से दर्शाते हैं यानी जे से बताते हैं। ये 6 हर्ट्ज के लगभग है, सेंटर्ड एट 1.7 इक्विवेलेंट टू 3H इंडिकेट्स है मिथाइल प्रोटोन ए। अब आता है हमारा क्वांटेट QUARTET क्वार्टेट। ये हमारा क्वार्टेट किससे, सेंटर्ड एट 3.4 जो हमारी डेल्टा वैल्यू थी, ये टू प्रोटॉन्स को इंडिकेट करता है और ये मिथाइलिन है। मिथाइलिन प्रोटॉन्स बी बीन एडजस्टेड टू द इलेक्ट्रॉन। अब ये क्योंकि ब्रोमीन के पास है, ब्रोमीन इसके इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, जिससे कम फील्ड स्ट्रेंथ करेगा और ये डाउन फील्ड की तरफ जाएगा, जिसे हम लोअर फील्ड भी बोल देंगे। और जो तो इस तरह से हमें देखा कि 3H अप फील्ड ट्रिपलेट होगी और ये डाउन फील्ड क्वार्टेट होगी 2H के साथ। अब ये इंडिकेट करता है कि ये एक इथाइल ग्रुप है। इस तरह से हमने ब्रोमो इथेन का स्ट्रक्चर निकाला। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, एक इथेनॉल। इथेनॉल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है इथेनॉल का स्ट्रक्चर, कि भाई इथेनॉल के अंदर कितनी पीक्स आएंगी।
तो हम ये कहते हैं पहले इसका हम पहला देखते हैं जब केमिकल एक्सचेंज होती है, और एक जब केमिकल एक्सचेंज नहीं होती तो इसे कितनी पीक्स होगी। पहला देखते हैं हम इसका फार्मूला CH3CH2OH। अब हमने इस मिथाइल को इसको ए से दर्शाना है और इसको बी से और इसको सी से, जिसका हम ओपन स्ट्रक्चर लिख रखा है। ये तीनों प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं, ये दोनों प्रोटॉन से इक्विवेलेंट हैं, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे कार्बन पे प्रोटॉन है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डेल्टा सीरीज हमने डेल्टा जीरो से लेके हमने 10 तक लिखी है। ये ppm में है इसकी यूनिट्स, और ये स्पेक्ट्रा है इथाइल एल्कोहल का। इस इथाइल एल्कोहल में जो हमारी जीरो पे आती है, जिसको हम टेट्रा मिथाइल सिलेन कहते हैं। अब ये देखिए कि ए जो मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है हमारा, इसके जो है वो लगभग 1.2 पे डेल्टा पे इसके पीक्स आती हैं, और ये ट्रिपलेट हैं, हमने यहाँ दर्शा रखा है ट्रिपलेट। अब हमें देखिए कि बी पे देखते हैं हम, बी पे ये एक क्वार्टेट आएगी, क्यू क्वार्टेट आएगी। अब सी पे देखते हैं एक सिंगलेट आएगी जो 4.6 डेल्टा पे है, और जो हमारी मिथाइलिन की थी वो आई थी 3.63। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं कि जो ट्रिपलेट्स जे 6.6 हर्ट्ज़ पे है, जो इसका कपलिंग कांस्टेंट है, जो 1.2 डेल पे है, और ये मिथाइलिन प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं जो क्वार्टेट है ये लगभग जे 6.6 हर्ट्ज़ है, सेंटर्ड है, ये 3.63 डेल्टा वैल्यू है, ये दो प्रोटॉन्स इंडिकेट करता है। अब इसका जो सिग्नल्स हैं इसके, अब ये देखेंगे कि मिथाइल और मिथाइलिन में सिग्नल्स उसके ऊपर क्यों आए और इसके नीचे आए। जैसे ऊपर की तरफ आते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपफील्ड। ये देखिए ये हमारा अपफील्ड वाला पार्ट है, ये वाला अपफील्ड, और ये हमारा डाउनफील्ड है। अब ये क्यों आया, इसका रीज़न ये है कि CH2 जो मिथाइलिन है वो ऑक्सीजन से अटैच होता है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आता है और इजीली रेजोनेट हो जाता है, और वो डाउनफील्ड की तरफ आता है। और एक प्रोटॉन का जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वो हमें OH के सिर्फ 4.6 डेल्टा पे आती है। ये पोजीशन या ये जो स्प्लिटिंग है ये तभी होती है जब कोई कपलिंग नहीं होती मिथाइलिन प्रोटॉन बी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप सी के बीच, जिसे कहें हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ केमिकल एक्सचेंज। केमिकल एक्सचेंज के कारण ये सिंगलेट देता है और ये क्वार्टेट देता है, इसमें कोई कपलिंग नहीं होती। अब ये देखते हैं कि ये केमिकल एक्सचेंज फिनोमेना होता क्या है, इसे हम केमिकल फिनोमेना ऑफ केमिकल एक्सचेंज कहते हैं। हम प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल में देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमें सिंगलेट देता है, मिथाइलिन हमें क्वार्टेट देता है, और मिथाइल हमें ट्रिपलेट देता है। अब इन दोनों के बीच कोई स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है, स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग ये कोई भी नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, कपलिंग नहीं होने का कारण है कि जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है डिफरेंट इथेन मॉलिक्यूल्स में, ये रैपिडली एक्सचेंज होते हैं। देखिए एक अल्कोहल हमने इसको स्टार देके बताया है, और ये एक्सचेंज होते हैं, और ये इतना तेज़ी से एक्सचेंज करते हैं कि जो शेप है, द एग्जैक्ट शेप ऑफ द हाइड्रोक्सिल प्रोटीन सिग्नल डिपेंड्स ऑन टाइम विच स्पेंड्स विद अनदर मॉलिक्यूल। तो इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना टाइम बिताता है, इन अ गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम ए सिंगलेट हाइड्रोक्सिल प्रोटीन में अटैच टू द नंबर ऑफ डिफरेंट इथाइल एल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड हिंस स्पिन ऑफ एडजेसेंट मिथाइलिन प्रोटॉन आर नॉट एबल टू सी एनी प्रोटॉन ऑन ऑक्सीजन फॉर सफिशियंट लॉन्ग टाइम 10^-1 सेकेंड सो नो कपलिंग ऑकर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एल्कोहल के जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है हाइड्रोजन, वो इतने ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं, इतने जल्दी जल्दी एक्सचेंज करते हैं कि उस इथाइलिन मॉलिक्यूल को हाइड्रोक्सिल पे कोई प्रोटॉन ही दिखाई नहीं देता, और ये लगभग 10^-1 सेकेंड है। अब द रेट ऑफ केमिकल एक्सचेंज फर्दर एनहेंस, अगर उसको रेट ऑफ एक्सचेंज को कोई एसिडिक और बेसिक इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो ज़्यादा एक्सचेंज बढ़ जाती है, जिसके कारण इस सिंगलेट और
इनमें कोई कपलिंग नहीं हो पाती हाइड्रोक्सिल और मिथाइलिन के अंदर। अब कि भाई केमिकल एक्सचेंज को सप्रेस करें, ये तो हमने कहा एनहेंस, बढ़ा दिया हमने इसको, यहाँ तो हमने कहा एनहेंस कि भाई एनहेंस कर दें, पर इसको सप्रेस करें तो क्या हो, सप्रेस हो तो। अब सप्रेस होने के लिए हम या तो टेम्परेचर कम कर दें या D6DMSO सॉल्वेंट ले लें। तो अब ज़रा देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इसके लिए मिथाइलिन एल्कोहल के साथ। मिथाइलिन एल्कोहल के साथ इसको रिकॉर्ड करते हैं हम +31°C, -4° एंड -40°। यहाँ देखिए पहला हम लेते हैं +31, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये सिंगलेट है, और CH3 इसके अंदर भी ये सिंगलेट है, मिथाइल अल्कोहल का एग्जांपल है, ये सिंगलेट है। हमने टेम्परेचर -4° किया, देखा ये पीक थी, ये ब्रॉड होनी शुरू कर दी, ये क्या होगी इस तरह से ब्रॉड होनी शुरू कर दी, इस तरह से ब्रॉड होनी शुरू कर दी। अब और यहाँ भी देखिए ये पीक्स भी ब्रॉड हो गई, यहाँ से देखिए आप इसको, ये ब्रॉड होनी शुरू हो गई ब्रॉड ये। अब इसका लेते हैं -4° पे, -40° पे, वो 4° पे लिया था हमने। अब 4° पे लेने के कारण इसका जो एक्सचेंज है वो क्या हो गया, कम हो गया, और उनमें कपलिंग हो गई। कपलिंग हो जाने के कारण OH, क्योंकि इसके पास CH3 थे, 3 प्रोटॉन है, N+1 यानी 4, इट इज़ क्वार्टेट पीक OH के इस हाइड्रोक्सिल प्रोटोन पे फील होगी, और इस OH के कारण जो मिथाइल के ऊपर है ये डबलेट हो जाएगी। इस तरह से देखते हैं कि हम हाइड्रोक्सिल प्रोटोन और मिथाइल के अंदर जो स्प्लिटिंग है यानी जो कपलिंग है वो टेम्परेचर लोअर करने से या सॉल्वेंट से बढ़ जाती है, इस तरह से हमें पीक्स प्राप्त होती है। और अगर केमिकल एक्सचेंज होता है तो उसके अंदर हमें सिर्फ 2 पीक्स मिलती हैं। इसी के साथ हम इन दोनों मॉलिक्यूल के साथ आज का विषय समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में हम दूसरे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।